हेलो स्टूडेंट्स, आज रिप्रोडक्शन वाली यूनिट को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में चार चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो पहला चैप्टर अपन लेकर के चल रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। Humans। अब देखिए कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो ये कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एबिलिटी है जिसमें उनके द्वारा अपने ही समान न्यू जनरेशन जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो वी कैन से इट्स ए एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे आर प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन और द जनरेशन, न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन को या जनरेशन को वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। ठीक है ना, जीवों की या जीवन का ये एक फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा कोई भी पर्टिकुलर जनरेशन या पॉपुलेशन या कोई भी स्पीसीज अपने आप को इमोर्टल रख सकती है। जिसमें इमोर्टल रखने का मतलब क्या है, जिसमें जो डेड मेंबर्स हैं वो रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा, न्यूली प्रोड्यूस्ड के द्वारा। तो रिप्रोडक्शन को अपन यूँ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही समान लाइक देम, ठीक है ना, क्या किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, और ये अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन की मॉर्टिलिटी के लिए, अमृतत्व के लिए यानी कि उसके लगातार बने रहने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ह्यूमन बीइंग्स में मिलेगा। रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का एक पार्ट वेजिटेटिव, तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स यू विल फाइंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर अगर अपन देखें तो वहाँ पर भी विवीपेरस, ओवीपेरस अलग अलग पर्टिकुलर टाइप्स हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले, एग से उत्पन्न होने वाले, या वॉम्ब के अंदर यूट्रस में जिनका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है यानी कि माँ के शरीर में ही नए जीव का विकास हो जाता है, वो कौन सा हो गया, विवीपेरस। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आपको जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, विवीपेरस। ठीक है, सेक्सुअली अगर अपन देखें ह्यूमन बीइंग्स को तो वो कैसे हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, यानी कि वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, सेक्सुअल द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता शो करेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम युक्त जो शरीर होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली और इंटरनल जो सिस्टम है रिप्रोडक्शन के उनके आधार पे और एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया हैं उनके आधार पे आप उन दोनों को अलग अलग पहचान सकते हो। तो इसका मतलब कैसा हो गया ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल, यानी कि वन काइंड विल हैव द वन टाइप ऑफ सेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है ना वो करैक्टरिस्टिक मिलेगा किसके अंदर, आपको ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जो है वो कितनी फेज में होता है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स द रिप्रोडक्शन प्रोसेस विल कंप्लीट इन द फोर फेजेज। नंबर एक है बेटा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, दिस इज द फेज इन विच द गैमेट्स विल फॉर्म। ये वो अवस्था जिसमें गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म एज मेल गैमेट एंड ओवा एज फीमेल गैमेट। ठीक है, किससे बनेंगे,
जो गोनाड्स हैं उनके अंदर बनेंगे, जो कौन सी सेल्स हैं, गैमिट मदर सेल्स यानी कि स्पर्मेटोसाइट और ओसाइट जो हैं उनसे बनेंगे। दूसरी जो फेज है वो कहलाती है बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दिस इज द फेज इन विच यूनियन ऑफ गैमिट्स या फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा, ठीक है ना। मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या बने हैं, स्पर्म और ओवा बने हैं, गैमिट मदर सेल्स हैं, और फिर उसके बाद में उन गैमिट्स स्पर्म और ओवा के बीच में क्या होना, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जो तीसरा फेज है वो कहलाता है बेटा गेस्टेशन, या इसी को अपन ये कह सकते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। तो गेस्टेशन यानी गर्भावस्था, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मोस्टली डेवलपमेंटल इवेंट्स को आप शामिल करते हैं, डेवलपमेंटल इवेंट्स कहां से लेकर के, फ्रॉम कंसेप्शन यानी कि जो गर्भ है उसको कंसीव किया है उससे लेकर के, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, ये थर्ड फेज होगा, ठीक है। एंड फाइनली जो फोर्थ फेज होगा दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या है, बर्थ ऑफ यंग वन, बर्थ ऑफ यंग वन। तो यहां तक का कंप्लीट प्रोसेस अपने को पढ़ना है इसमें, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप यहीं पे आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखें, ये 13 डेज से लेकर के 641 डेज तक का मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपने नाम सुना हो ओपोसम तो उसमें 13 डेज होता है, ठीक है ना। रैबिट की अगर अपन बात करें कंपेरेटिवली पूछा जाए तो 30 डेज, ठीक है। अगर अपन बात करें काऊ की तो वहाँ पे 270 डेज, ठीक है। आप बात करें किसकी, ह्यूमन बींग्स की, तो वहाँ पे 280 डेज, ठीक है। एलिफेंट खूब लंबा मैक्सिमम लेंथ देखने को मिलेगी, 641 डेज इन केस ऑफ द एलिफेंट। जो आपको गेस्टेशन पीरियड है वो 641 डेज का होगा, तो गेस्टेशन पीरियड वेरी करेगा 13 टू 641 डेज इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड कितना है, 280 डेज तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो कंट्रीब्यूट करने वाले पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं या सिस्टम हैं उनकी, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ द वुमन बींग्स, अगर अपन ने बात की कि यूनिसेक्सुअल हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल इंक्लूड द नंबर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के अंदर आपको दो प्रकार की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। एक मिलेंगे बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि सिस्टम जो है ऑर्गन से बना होता है, और दूसरे जो मिलेंगे दोनों के अंदर वो क्या मिलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। विद देम असेसरी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी, सहायक संरचना भी मिलेंगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में गोनाड्स होते हैं, मेल गोनाड जो है या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो क्या होंगे बेटा, टेस्टिस, और फीमेल जो होंगे वो क्या होंगे, ओवरीज, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में अगर अपन देखें तो इन केस ऑफ मेल और फीमेल आपको क्या मिलेंगे, देखिए इन केस ऑफ द मेल एपिडिडाइमस,
एपिडीडाइमस, वासा डिफरेंसिया, ठीक है। इसके अलावा और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होंगी वो क्या होंगे, पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में, ठीक है, और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी और काउपर्स ग्लैंड, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इन केस ऑफ मेल के अंदर, फीमेल के अंदर आपको ओविडक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, कई बार इसको बोला जाता है, ठीक है ना, यूट्रस, ठीक है, वेजाइना, और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में क्या मिलेगा, वुल्वा या वल्वा, ठीक है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा, और ग्लैंड के रूप में आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो दीज आर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स विच आर इंक्लूडेड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ द मेल एंड फीमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करेंगे, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के ही डायग्राम के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम बना करके उसके अंदर लेबलिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ले रहे हैं पहले, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो वो देखिए कैसा होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, दिस इज द यूरिथ्रा, और ये पेनिस वाले पार्ट में यहाँ पे ग्रो कर रही है, ठीक है, ये पेनिस के ऊपर जो स्किन है और ये जो स्ट्रक्चर बनी है दैट इज कॉल्ड द, वी विल कॉल दिस स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं, दिस वन इज एनस वाला जो पार्ट है, ये मसल, बैक मसल जो है, और ये एनस गुदा, ठीक है, अब देखिए ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है, टेस्टिस के साथ ये स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस, ठीक है, दिस वन इज टेस्टिस, एपिडिडाइमस से ये निकल रही है बेटा वाशा डिफरेंसिया, जो सेमिनल वेसिकल, दिस वन इज सेमिनल वेसिकल, तो ये सेमिनल वेसिकल जो है उससे जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ट्यूब निकल रही है, उस ट्यूब के अंदर इसका आगे का फुला हुआ पार्ट जो एम्पुला कहलाता है वो खुलेगा, दिस वन इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब ये आगे दोनों मिलकर के क्या बना रही हैं, इजेक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, सेमिनल वेसिकल से सीमन का 70% मटेरियल आएगा, और यहाँ से ये क्या आ रहे हैं, टेस्टिस से जो स्पर्म बन करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं, स्पर्म और ये पर्टिकुलर फ्लूड दोनों मिलकर के सीमन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, और ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है
ये किसको भेदते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड को, ये दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड जो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और दूसरी जो ग्लैंड है वो कौन सी बताई थी मैंने, एक पेयर के रूप में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। फीमेल के अंदर इसी की होमोजीनस होती है बल्बो यूरिथ्रल, और यहाँ पे है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। यहाँ ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर ये क्या खुल रहे हैं, किडनी से क्या आ रही हैं, यूरेटर्स, जो आपने पढ़ा था किसके अंदर, जो अपन ने नेफ्रोन वाला जो चैप्टर था, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वाला था, उसमें अपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। दिस वन इज स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, वर्षण कोश, और उसमें ये क्या है बेटा, टेस्टिस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वासा डिफरेंसिया, एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको क्या कह रहे हैं, पेनिस। इसके अंदर भी मोस्टली आपको दो मसल मिलेंगी, एक सेंट्रल मसल होगी जो आगे तक ग्रो करती है, और दूसरी जो है वो लेटरल मसल्स हैं, बाहर वाली जो मसल होती हैं दोनों वो कहलाती हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, और जो सेंट्रल मसल होती है जो आगे तक ग्रो करती है, जिसके ऊपर स्किन का एक कवर रहेगा, वो बीच वाली कहलाती है, रेड कलर में जिसको दिखाया है, ये कौन सी है, कार्पस स्पंजोसम या कार्पोरा स्पंजोसम, और ये बीच में से क्या आ रही है बेटा, दिस वन इज द यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने जो स्ट्रक्चर शामिल की थी, याद कीजिए, टेस्टिस, एपिडाइमस, एपिडिडाइमस, ये क्या हो गई, वासा डिफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड द पेनिस, ठीक है ना। दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो इनमें से किसी को भी एक्स या वाई के नाम से आपसे मिटा करके पूछा जा सकता है कि गिवन स्ट्रक्चर में एक्स या वाई क्या है, ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल डक्ट और वासा डिफरेंसिया के कॉम्बिनेशन से बनी है, ये भी आप ध्यान में रखना, इज दिस क्लियर। अब देखिए वन बाई वन अपन एक एक करके स्ट्रक्चर लेंगे। द फर्स्ट वन स्ट्रक्चर जो अपन ले रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और वो क्या है, टेस्टिस, इज दिस क्लियर। तो देखिए अपन एक सेकेंड डायग्राम बना लेते हैं इसका, और उस डायग्राम के आधार पे अपन एक एक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन स्क्रोटम और टेस्टिस लेंगे आज। ये पर्टिकुलर एब्डोमिनल कैविटी है और ये स्क्रोटल सैक है, ये पेनिस वाला पार्ट है, तो दोनों तरफ एक जैसा ही, इसलिए मैं इसको हाफ को हटा रहा हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए आप इससे समझेंगे। अब यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर हैं, टेस्टिस, ठीक है, और ये बाहर की ओर क्या है, स्क्रोटम। तो एक एक करके अपन इसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन स्ट्रक्चर विच आई एम टेकिंग हियर इज द टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो बेटा इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स वन पेयर ऑफ द टेस्टिस ठीक है ना पाए जाएंगे मेल के अंदर, और ये टेस्टिस किसके अंदर पाए जाएंगे, एब्डोमिनल वॉल के नीचे की ओर एक्सटेंड होने से, यानी कि एब्डोमिनल जो कैविटी है उसकी वॉल जो है वो नीचे की ओर एक्सटेंड होगी, और उसके नीचे की ओर एक्सटेंड होने से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं जो पिगमेंटेड होंगी, ठीक है ना, और हेयरी स्किन होगी उनकी। उन पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम,
ठीक है, उसके अंदर ये टेस्टिस उपस्थित है। तो टेस्टिस की जो ऊपर वाली जो बाहर वाली लेयर है वो तो क्या है, एपिडर्मिस। अब इसके अंदर की ओर एक मस्कुलर लेयर है, ठीक है, उसके बाद एक बाईलेयर्ड स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा ही बनती है, ठीक है ना। तो बाहर वाली जो लेयर है और ये जो बाईलेयर है एब्डोमिनल मसल की, ये दोनों मिलकर के डर्मिश कहलाएंगी। और ये जो डर्मिश है, इसमें बाहर वाली लेयर जो है वो बनी हुई है एक स्पेसिफिक मसल की, जिसको अपन बोलते हैं डार्टोस मसल। और डार्टोस मसल से बनी हुई ये जो लेयर है रेड कलर वाली, ये कहलाती है डार्टोस ट्यूनिक, ठीक है। और अंदर वाली जो बाईलेयर है जो एब्डोमिनल मसल्स के ही एक्सटेंशन से बनी है, वो कहलाती है स्पर्मेटिक फेसिया, स्पर्मेटिक फेसिया, ठीक है, जो बाईलेयर्ड है। और फिर उसके बाद में उससे कौन अटैच है, टेस्टिस। टेस्टिस जो है उसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एपिडाइमस, ठीक है। एपिडाइमस से ये क्या निकल रहा है, वासा इफ्रेंसिया, सॉरी डिफ्रेंसिया, जो कहाँ पे जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी से जाते हुए किस में ओपन होगा, यूरिथ्रा में, जो अपन ने पहले वाले डायग्राम में देखा, इसमें भी अपन देखेंगे। तो जो स्पर्मेटिक फेसिया और डार्टोस मसल हैं उन दोनों ने डर्मिस की लेयर को बना रखा है। ये स्क्रोटल अपने आप में एक थर्मोरेगुलेटर का काम करता है। थर्मोरेगुलेटर का मतलब क्या है, ताप नियामक का, थर्मोरेगुलेटर, कैसे, देखिए जब विंटर सीजन होगा तो ये स्क्रोटम जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी के नज़दीक, ये इससे ऊपर का पार्ट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी, उसके नज़दीक आ जाएंगे। कारण क्या है, डार्टोस मसल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। तो बॉडी के नज़दीक आ जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर जो है उसके पास आ जाएंगे, पहली बात। और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा, किसका, स्क्रोटम का। तो सरफेस एरिया घटेगा तो लॉस ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इन विंटर सीजन ये डार्टोस मसल जो है वो क्या कर जाएगी, रिलैक्स, जिससे ये बॉडी से क्या हो जाएंगे, दूर। और इन रिलैक्स होने से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। जिससे क्या होगा, टेम्परेचर को ये रेगुलेट कंट्रोल करके रख सकते हैं, जब कम हो रहा है तो हीट लॉस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जब समर में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हीट लॉस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन रखना ज़रूरी है। और वो टेम्परेचर क्या, बॉडी टेम्परेचर जो है उससे स्क्रोटल सैक के अंदर, यानी कि स्क्रोटम टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है बॉडी से, इसके पीछे रीजन क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, दिस पर्टिकुलर लेस टेम्परेचर और द लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, द फर्स्ट वन किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जो टेस्टिस है उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि शुक्राणुओं के बनने के लिए, स्पर्म के बनने के लिए। लेकिन ये एक चीज़ तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी इसके उपयोग हैं इस लोअर टेम्परेचर के, क्या, मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए भी ये रिक्वायर्ड है, स्पर्म्स की मैच्योरिटी जो है उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन जब क्वेश्चन आते हैं तो उनके अंदर ये आपको ये पूछा जा सकता है कि लोअर टेम्परेचर इज हेल्पफुल इन, तो मेन तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इसके बाद में मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म्स आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस जो है उसके अंदर, टेस्टिकुलर पार्ट जो है, टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस दोनों मिलकर के टेस्टिकल कहलाते हैं, टेस्टिकल, एपिडिडाइमस प्लस कौन, टेस्टिस, ठीक है ना। तो टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म्स की स्टोरेज के लिए, एंड द नेक्स्ट वन सर्वाइवल के लिए, यानी कि इसी टेम्परेचर के ऊपर ये सर्वाइव करेंगे बेस्ट।
तो सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स के लिए, स्टोरेज और मैच्योरिटी और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर होना जरूरी है, बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर होना रिक्वायर्ड है, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन, टेस्टिस के बाहर की ओर जो स्क्रोटल सैक है, ये स्क्रोटल सैक भी दो पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। अंदर की ओर एक, इसमें एक सेप्टा होता है और वो सेप्टा इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और वो जो पर्टिकुलर सेप्टा होता है इंटरनली, वो कहलाता है सेप्टम स्कॉर्टाई। और उसकी प्रेजेंस को अपन बाहर भी देख सकते हैं, ये जो टेस्टिस होते हैं इनके ऊपर बाहर की ओर एक उभार के रूप में एक लाइन सी पाई जाएगी, ठीक है ना, रेफे कह सकते हैं अपन उसको, ठीक है ना, एक स्केयर के रूप में, जो क्या करता है ये, क्या कर, किसका निशान है कि सेप्टम स्कॉर्टाई जो है वो टेस्टिस को कितने पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स के अंदर, दो चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट वन, ये एपिडिडाइमस और टेस्टिस जो है इसके अंदर कुछ सप्लाई आ रही है और कुछ सप्लाई जा रही है, ध्यान से सुनना। तो वो पर्टिकुलर सप्लाई जो जा रही है वो एक पर्टिकुलर थ्रेड या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जाती है, और वो पर्टिकुलर कॉर्ड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो कहलाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ से, स्क्रोटम से निकल करके कहाँ पे जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है ना। और एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम को कनेक्ट करने वाला ये जो पर्टिकुलर कॉर्ड है जिसको आप स्पर्मेटिक कॉर्ड कह रहे हैं, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो सप्लाई चेन है अपने आप में, किसकी, नर्व फाइबर इसके थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, और गोनाडियल आर्टरीज एंड वेन्स यानी कि टेस्टिस या टेस्टिकुलर आर्टरीज वेन्स, ठीक है, प्लस लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक टिश्यू, प्लस यहाँ एपिडाइमस से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर बताई थी जिसका नाम था वासा डिफरेंसिया, जो स्पर्म लेकर के जा रही है, तो वो भी इस चीज़ के थ्रू क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई, ठीक है ना, बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड द स्क्रोटम, जो टेस्टिस के अंदर इन इन स्ट्रक्चर्स को लेकर के जा रही है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर उससे निकल करके आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट वन थिंग, टेस्टिस वॉल ऑफ स्क्रोटम से नीचे की ओर एक स्टॉक लाइक इलास्टिक फाइब्रस स्ट्रक्चर से, इलास्टिन की बनी हुई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिससे जुड़ा रहता है, वो स्ट्रक्चर कहलाती है गुबर्नेकुलम, ये नीचे की ओर, ठीक है ना। साइड में तो ये किससे जुड़ी हुई है, स्पर्मेटिक फेशिया से, यहाँ पे ये किससे जुड़ी हुई है, गुबर्नेकुलम से। तो दिस वन वी हैव टू बी रिमेंबर, गुबर्नेकुलम ये स्टॉक फ्लेक्सिबल, स्टॉक लाइक यानी कि वरंतनुमा फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, इलास्टिन फाइबर से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो लोअर वॉल जो होती है स्क्रोटम की उससे किसको जोड़ रही है, दिस वन इज द टेस्टिस, इसको जोड़ रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो थी इसका नाम क्या था, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अब यहां से ये क्या निकल करके आ रही है, याद कीजिए, दिस वन इज वासा डिफरेंसिया, यहाँ पे ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, पेनिस वाला पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरिथ्रा ग्रो करेगी, ये लीजिए पेनिस वाले पार्ट में आ गई, जहाँ पे कौन थी, इस पर कारपोरा स्पंजोसम, याद होगा आपको, इधर से जो निकल कर के आएगी वो इधर से इंटर कर जाएगी, ठीक है। और ये क्या निकल कर के आ रही हैं, किडनी से, क्या बताइए, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द किडनी,
ये क्या कहलाती हैं? यूरेटर्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कुछ बेसिक बातें और जो यहां पे पूछी जा सकती हैं आपसे, क्वेश्चनली अपन उनको डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए, जो टेस्टिस हैं उनका डेवलपमेंट हमारी एम्ब्रियोनल अवस्था में, जब अपन माँ के पेट में हैं यानी कि अपना एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस समय एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेक्स प्लेस कहाँ पे? एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये डिसेंड होंगे कहाँ में? स्क्रोटल सैक के अंदर, सेवंथ मंथ में, सेवंथ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में ये डिसेंड होंगे कहाँ पे? डिसेंडेड इन स्क्रोटल सैक। यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कहाँ होने चाहिए? एट द टाइम ऑफ बर्थ कहाँ पे होने चाहिए? स्क्रोटल सैक के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में। देन ये सेवंथ मंथ में डिसेंड होते हैं, जब अपन एम्ब्रियोनल अवस्था में थे उसी समय सातवें महीने में कहाँ पे? स्क्रोटल सैक में। लेकिन आपसे ये कंडीशन पूछ ली जाए कि यूजुअली तो ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? इफ नॉट डिसेंडेड, तो वो अपने आप में एक डिसऑर्डर हो गया, दैट विल बी कॉल्ड क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म उसको अपन कहेंगे। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर फिर क्या किया जाता है कि वी हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, तो वो क्या करेगा फिर? सर्जरी के द्वारा इनको कहां पे? स्क्रोटल सैक में डिसेंड करेगा। ठीक है, दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इज कॉल्ड ऑर्किपेसी। ऑर्किपेसी, और अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं तो ये मेलाइन हो जाएंगे, कैंसरियस हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर इनको रिमूव करना पड़ता है, तो रिमूवल जो है उसको अपन क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ टेस्टिस बाय सर्जरी, वो कहलाता है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है, ऑर्क्योपेसी, ऑर्क्योडेक्टोमी। इज दिस क्लियर? गाँव में आपने कई बार ये सुना होगा कि कुछ पर्टिकुलर जो मेल जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं कैटल्स के, जैसे बैल वगैरह या बकरा वगैरह, इनके अंदर आपने देखा हो तो उनमें क्या होता है कि क्रश करके टेस्टिस जो है उनको नष्ट कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ द टेस्टिस बाय क्रशिंग, वो कहलाता है बेटा कैस्टरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? कैस्टरेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आज जो अपन ने पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, और उसमें भी पहला जो पार्ट था वो अपन ने लिया है, जिसमें कौन सा था? टेस्टिस एंड स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में है, स्क्रोटल सैक जो है वो क्या है? एब्डोमिनल कैविटी जो है उसकी जो वॉल है उसी के नीचे की ओर एक्सटेंड होने से बना है। एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल सैक के बीच में ये जो कैनाल होती है, इस कैनाल को बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल, ठीक है ना। कई बार क्या देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल भी है ना एब्डोमिनल कैविटी में, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है वो कई बार इसमें लूप्स के रूप में वर्दी कर जाता है। लूप्स का मतलब उभार, ये यूं आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं हर्निया। इंटेस्टाइन के लूप्स का किस में आ जाना? इंगुइनल कैनाल में। इंगुइनल कैनाल क्या है? स्क्रोटल सैक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच की जो कैनाल है, जिसमें से कौन जा रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड भी जा रहा है, दिख रहा होगा ना, वासा डिफरेंशिया वगैरह जा रहे हैं। तो ये जो इंगुइनल कैनाल जो है वो किसको जोड़ती है? एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल सैक को। तो इसमें कई बार इंटेस्टाइन के लूप्स आ जाते हैं, वो पर्टिकुलर डिजीज क्या कहलाती है? इंगुइनल हर्निया। व्हाट वी कॉल दैट? इंगुइनल हर्निया। ठीक है,
तो स्क्रोटल सैक क्या है, उसकी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी, इसको थर्मोरेगुलेटर कहा जाता है, ये अपन ने पढ़ा। इसके अंदर एक स्पेसिफिक मसल है जिसका नाम क्या था, डार्टोस मसल, ठीक है, जो थर्मोरेगुलेशन के अंदर मदद करती है, ठीक है ना, कैसे कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन से। फिर उसके बाद में अपन ने टेस्टिस जो है उससे निकलने वाले जो पर्टिकुलर और आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ा, स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में अपन ने डिस्कशन किया, ठीक है, ये देखा कि टेस्टिस कब डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और कब वो डिसेंड होते हैं, डिसेंड नहीं होते हैं तो वो कंडीशंस क्या हैं। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अपन एपिडिडाइमस, वासा, डिफरेंशिया, इनके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन नेक्स्ट पीरियड में टेस्टिस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।